ऑनलाइन शादी, क्या देश वाकई इतना आधुनिक हो गया है? इसका तो पता नहीं, मगर हाँ, लॉकडाउन में ऑनलाइन शादी मजबूरी बस जरूर करनी पड़ रही है। कोरोना क्या नहीं करवा रहा। एक ऐसी शादी देखने को मिली है जिसमें दूल्हा दुल्हन बेंगलुरु में थे और पंडित व माता पिता छतरपुर में। पूरी रीति रिवाज से शादी सम्पन्न हुई, मगर ऑनलाइन। दूल्हा दुल्हन बेंगलुरु में नौकरी करते हैं। दूल्हे के पिता छतरपुर SP के रीडर हैं। पिता KP सिंह परिहार के अनुसार बेटे की सगाई 4 महीने पहले हो चुकी थी और 6 मई को शादी होना तय था, क्योंकि अगले एक साल तक कोई और मुहूर्त नहीं मिल रहा था। लेकिन कौन जानता था कि कोरोना का काल ऐसा शुरू होगा कि सब कुछ रुक जाएगा। ऐसे में परिवार ने मिलकर निर्णय लिया कि जो जहां है वो वहीं रहेगा और शादी की सारी रस्म रिवाज ऑनलाइन होंगे। बेटा दूल्हा और दुल्हन बहू बेंगलुरु में थे। दोनों एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर हैं और माता पिता एवं परिवार के कुछ सदस्य और पंडित छतरपुर में बैठकर ही शादी की सारी रस्में कर रहे थे। दोनों तरफ के कैमरे ऑन थे, सभी ऑनलाइन जुड़े थे। सबसे पहले इस ठाकुर परिवार द्वारा मंडप की सारी रस्में कर दी गई और फिर उसके बाद 7 फेरे लेने के लिए दूल्हा दुल्हन को बेंगलुरु में ही ऑनलाइन बैठा दिया गया। इधर छतरपुर में पंडित दूल्हे के पिता के घर ऑनलाइन बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे, उधर बेंगलुरु में दूल्हा दुल्हन साथ में 7 फेरे ले रहे थे। दूल्हे का बड़ा भाई अपने छोटे भाई और उसकी दुल्हन को शादी के पवित्र रिश्ते में बांध रहा था। भाई दूल्हा दुल्हन के पास रस्में निभा रहा था। दूल्हे के माता पिता ने अपने घर से ही ऑनलाइन अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया और इस तरह लॉकडाउन में हो गई शादी संपन्न। मैं इस समय छतरपुर जिले में पुलिस अधीक्षक का रीडर हूँ और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बंगलौर में इंजीनियर हैं। और ये बेटे की शादी की रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम 4 माह पूर्व मैंने किया था और अभी 6 मई को ये अच्छा मुहूर्त था। और इसके बाद अगर इस मुहूर्त में हम शादी नहीं करते तो 1 साल के लिए शादी जा रही थी। तो मेरे पंडित जी हैं अखिलेश पाठक जी, उनसे हमने सलाह ली और उन्होंने कहा कि आप इसी में करिए, शादी अभी करिए, ये अच्छी रहेगी। तो हमने इस आज तारीख की पंडित जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये शादी मेरे घर से कराई है। मेरे लड़के बहू और मेरा बड़ा बेटा वहाँ बंगलौर में है और वहाँ से ये शादी का आयोजन किया गया है। मेरे छोटे बेटे की शादी ऑनलाइन करनी पड़ी और ऑनलाइन हम लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया। आप कहाँ थी अभी? कहाँ थी? मैं छतरपुर में हूँ और दोनों बेटे मेरे बंगलौर में। बड़े बेटे ने मेरे पूरा कार्यक्रम किया और हम लोग यहीं से अपना वीडियो कॉलिंग द्वारा शादी संपन्न। इसलिए है कि जो हमारे यजमान परिहार साहब हैं उनके पुत्र की शादी जो है लंबे समय तक शुभ नहीं बन रही थी, इसलिए शुभ मुहूर्त में विवाह कराना अनिवार्य था। इसलिए हमको उसको वीडियो कॉलिंग के द्वारा या वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा हमें शादी संपन्न करवाना पड़ी। कहाँ थे ये? हम छतरपुर में हैं और हमारे जो यजमान के पुत्र हैं वो बेंगलोर में हैं। तारीख हमने जो है यजमान को वहाँ उपस्थित करवाया और वो 5-7 लोग उपस्थित होकर के हमारे निर्देश के अनुसार उनने कार्य वहाँ संपन्न किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।